नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पौड़ी में आज भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं में आपसी फूट देखने को मिली है। इस दौरान 2022 में चुनाव में प्रबल दावेदार के रूप में नजर आ रहे राजकुमार पौरी के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय विधायक मुकेश कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक की मौजूदगी में राजकुमार पौरी के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा से पहले ही पौड़ी के बस अड्डे जनसभा आयोजन स्थल पर भाजपा के विधानसभा पौड़ी से दावेदारों का पोस्टर वार देखने को मिला, तो वहीं विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा में भी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली है। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने को है और ऐसे में विधायक की मौजूदगी में ही जनसभा के बीच भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार पौड़ी के समर्थकों की ओर से उनके नारे लगाए गए। वहीं विधायक कोहली से पूछने पर उन्होंने बताया कि इस तरह के विरोध राजनीति में चलते रहते हैं और वो विधानसभा में टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। वहीं भाजपा मंडल महामंत्री जगत किशोरी बर्थवाल को भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने यहां तक कि अभद्र भाषा का भी प्रयोग जगत किशोर बर्थवाल के लिए किया है। मुझे याद आता है कि 1982 का चुनाव जब मैं पौड़ी में 3 महीने रहा शिबू के होटल में, और उसका का चुनाव इंदिरा गांधी की ताकत से लड़ा हमारे उत्तराखंड के लोगों ने और नारा लगाया कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और स्वर्गीय गोगना जी को यहाँ जिता के भेजा था। हम लोग सम्मानीय लोग हैं, हमारे उत्तराखंड का चरित्र ये है कि हम जो है सम्मान से जीते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं और बस परिवर्तन ही हम चाहते हैं, इसलिए हम लोगों का ज्यादा तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का सपोर्ट ज्यादा नहीं, क्योंकि हर लोग भारतीय जनता पार्टी ही आएगी लेकिन राजकुमार इसे बहुत कि सारे लोग जल्द सारे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश जो है मोदी जी खड़ा है और उत्तराखंड में इस बार भारी से भारी विजय होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं नारा पार्टी में जाने का साथ बीजेपी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, मैं अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस रैली के बारे में पूछा है, मैं इस रैली को जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के नाम से जो हमारी रैली चल रही है और 17 तारीख से इस रैली का आगाज हुआ है और जगह जगह ये रैली जो है सभी जिलों में होते हुए आज पौड़ी में पहुंची है। संकल्प यात्रा है, निश्चित तौर से अपने देश के प्रधानमंत्री के संकल्प और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के संकल्प की ये यात्रा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प यात्रा को 70 विधानसभा में पूरा अपना भेजा के हम सब जनता का आशीर्वाद दे रही है। निश्चित तौर से 2022 में हम 60+ सीटों को जीत कर इस संकल्प यात्रा को संकल्प के साथ पूरे 2022 में सरकार बनानी है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले कार्यकर्ता हैं। आज हमें नकार दिया गया है जिस कारण कि हमें इस पार्टी से कहते हैं कि तुम कांग्रेसी हो। अगर हम कांग्रेसी हैं तो ये हमें बता दे कब हम कांग्रेस में गए, और ये कांग्रेस से लहा रखे हैं, जो कांग्रेस के तालाब से लहा रखे हैं और आज वो भाजपा का तालाब गंदा कर रहे हैं, इनको जीजा अपनी सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन उनका साफ यही कहना है कि मेरी पार्टी अगर मुझे जो भी जिम्मेदारी देती है मैं उसके लिए 2022 के लिए बिल्कुल सही ढंग से अपने कार्यकर्ताओं के जिस तरह से मैं रहूंगा तो उसी तरह से मैं यहाँ पे निभाऊंगा, और जो भी पार्टी मुझे निर्णय देगी, लेकिन निर्णय के साथ ही साथ उनको यही कहना है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो आप पता है कि किस तरह से मैंने यहाँ के विधायक से लेके और नगर पालिका से लेके और ब्लॉक से लेके तमाम मैंने प्रतिनिधियों को अपनी सरकार तक पहुँचा है, तो ये तो आने वाले 2022 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि मुकेश कोहली का जो रिकॉर्ड जो कार्ड है वो किस तरह से सक्सेसफुल हो पाता है या यूं ही रहता। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।